सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अनुज जी, देख रहे हैं कि सुबह के कारोबारी सत्र में तो हम जो एग्री कम्युनिटीज थी वो थोड़ी लाल निशान पर ट्रेड करते नजर आई थी। सोयाबीन में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, कैस्टर भी एक सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा था। लेकिन अब देख रहे हैं कि शाम होते होते कृषि फसलों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, सोयाबीन में एक रिकवरी देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, सुबह के 3% के लोअर सर्किट के बाद अब जो सोयाबीन में रिकवरी बनती नजर आई है और एक बार दाम फिर से 6300 पर गया है, तो क्या मान लिया जाए कि सोयाबीन में ज्यादा गिरावट नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है। सोयाबीन और सरसों की अगर बात करें तो वहां पे आगे नई क्रॉप की आवक रहेगी, तो एक जस्ट है कि बाउंस बैक देखने को मिला है। मगर ओवरऑल जो ट्रेंड हम मान के चल रहे हैं पूरे एडिबल ऑयल पैक में, जो नरमी का ही रहेगा, क्योंकि आगे अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि सोयाबीन में बिकवाली का ट्रेड ही रखना चाहिए। जो बाउंस बैक आया है वहां पर बिकवाली का ट्रेड लेके चले। हमें लगता है कि भाव नीचे अगेन 6000 तक देखने को मिल सकते हैं जी। ये सर मुझे बात करेंगे सीपीओ की, तो सीपीओ में भी हमने हाल ही में बढ़त बंदे देखी है। खबरें हैं कि मलेशिया में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से वहाँ पर पाम की जो फसलें हैं वो डैमेज हुई हैं, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है। आपको क्या लगता है आगे सीपीओ में कितनी तेजी बन सकती है? देखिए, अभी तेजी का जो ट्रेंड है वो सीपीओ में रहेगा। हमें लगता है कि ऊपर में 1100-1120 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल मार्केट में भी तेजी देखने को मिली है, हालांकि इंटरनेशनल कारणों की वजह से ज्यादा बाजार इफेक्ट हुआ है और भावों में उछाल देखने को मिला। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी जो उछाल है वो 1100-1120 तक देखने को मिल सकता है जी।